वगैरह के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और मॉनिटर वगैरह भी है हमारे पास। ऐसी सारी चीज़ों की सुविधा हमारे पास, फार्मेसी अपनी खुद की है, पर्सनल रूम है और बाकी हर प्रकार के मरीज का इलाज के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे और 24 घंटे भी उपलब्ध रहेंगे। आप कभी भी फ़ोन करके आओ तो हम यहीं पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और मैं जिंदल अस्पताल में एज ए मेडिकल ऑफिसर ICU में काम करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आपके शहर में सेवाएं देने के लिए 10 बेड का हमारे पास हॉस्पिटल है और उसके अंदर हमारे पास सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में, इमरजेंसी में जी हमारे पास मॉनिटर वगैरह, ECG वगैरह और सारा जितना भी सर्जरी वगैरह काम है, स्प्रे वगैरह, जितने पॉइजनिंग के केस आते हैं तो उनको सब केस हैंडल करने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध। ये थे हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज। मुख्य समाचारों के साथ मैं जय सिंह जालवा। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में किसान सभा प्रदर्शन करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को भट्टू मंडी के मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष बढ़ती महंगाई के विरोध में रोष प्रदर्शन किया जाएगा। कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में संपर्क अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे ताऊ देवलाल टाउन पार्क में पहले मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जिले में कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। बुधवार को जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिनमें फतेहाबाद शहर क्षेत्र में 2 व रतिया ग्रामीण में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि भट्टू कला में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है।